गौतम, उस महाबला से थोड़ा दूर ही रहो तो बेहतर है। अच्छा आदमी नहीं है वो, उसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक। मुझे इंदु वापस चाहिए बस। उसके लिए अगर मुझे महाबला से भी लड़ना पड़े तो परवाह नहीं। कर्नल बाबू की बातों से ऐसा लगा कि यहां पहले भी कई लोग गायब हो चुके हैं, मतलब वो इस बारे में शायद कुछ जानते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। पिछले साल जुलाई में यहीं पड़ोसी की वाइफ गायब हुई। बहुत समय तक उसे ढूंढा गया पर कुछ पता नहीं चला। इन सारी बातों का भूत से कुछ संबंध हो सकता है क्या? गांव में अंगार नाम का आदमी था। महाबला द्वारा आयोजित वार्षिक जलसे में वो हर साल भूत नृत्य करता था। वो आदमी कुछ अजीब सा था। 2001 के जलसे के दौरान वो अचानक गायब हो गया। मजबूरी ये है, हर साल इस नृत्य परंपरा को तो निभाना ही पड़ता है, लेकिन अंगार तो गायब हो गया। उसे बहुत ढूंढा गया पर वो नहीं मिला। फिर एक रात को कमरुटू हाउस के पास के एक पेड़ पर उसकी लाश लटकी हुई मिली, पर सिर्फ शरीर था, उसका सिर गायब था। कोई नहीं जानता कि उसका सिर किसने काटा। अब ये एक बहुत ही अजीब सी बात है। कुछ लोग मानते हैं कि महाबल हेगड़े ने उसकी हत्या की, कुछ कहते हैं कि ब्रह्मराक्षस ने उसका वध किया। और उस दिन के बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। हर साल उसकी मृत्यु तिथि के ठीक 11वें दिन बाद उस तरफ के पहाड़ की ओर से भयानक चीखों की आवाज सुनाई देती है। गौतम, गुड्डा भूत उतनी ही बड़ी वास्तविकता है जितना हम और तुम एक सत्य हैं। इस गांव से बहुत से लोग गायब हुए हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। पुलिस रिकॉर्ड्स में उनकी डिटेल्स जरूर मिल जाएंगे। कहाँ चली सवारी? एनी प्रॉब्लम? ए, जितना पूछा उतना जवाब दे। तुझे तेरी पत्नी मिल गई क्या? ये मेरी दोस्त है। दोस्त? दोस्त को आधी रात जंगल में घुमाने लाया है? ये तेरी रात की सहेली है। सर, अपनी मर्यादा में रहिए। और तू मर्यादा में रहने लायक है? मैं ऐसा ही बात करूंगा और तेरा खेल खत्म करूंगा। वैसे भी तेरे खिलाफ काफी कंप्लेंट्स आ रही हैं। दूसरे के काम में क्यों ना घुसे रहे वे? अपना सामान समेट और चलता बन। जहां से आया वहीं का टिकट कटवा ले। अगर इस गांव में दोबारा तेरी शक्ल दिखाई दी ना। समझ गया ना? ओके? या सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा फोन चला गया। उसकी चिंता मत करो, डेटा कार्ड तो मेरे ही पास है। पुलिस स्टेशन तो इस तरफ है ना? करेक्ट। और इंस्पेक्टर उस तरफ गया तो इधर आओ। भी क्यों रहे हो तुम? ये रुको, मैं देखता हूँ। नहीं, छतरी पकड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए।
इतने बड़े रूम में ढूंढना मुश्किल होगा। कबाड़ खाना बना रखा है। सारी फाइल्स डेट वाइज रखी हैं। पर इनमें वो स्पेसिफिक मिसिंग केस वाली फाइल्स कौन सी हैं? इस बात का पता कैसे चलेगा? अलग सेक्शन होता तो। शंकर मास्टर ने बताया था कि पिछले साल जुलाई में एक पड़ोसी की पत्नी गायब हो गई थी। जुलाई 2012 की फाइल चेक करो। ओके। ये देखो ये रही। पुष्पलता राय, उम्र 32 साल, ये मिसिंग है। जुलाई 7th 2012। अब क्या करें? ऑल फाइल्स ढूंढें। जुलाई 7th। उसी तारीख को सातवीं औरत गायब हुई। इंदु भी 7 जुलाई को गायब हुई। महाबला के फंक्शन के ठीक अगले दिन। शंकर मास्टर ने बताया कि यह फंक्शन हर साल होता है। जुलाई 2001। अंगारा, उम्र 26 साल। जुलाई 7, 2001। मर्डर 2001 से इस जुलाई तक की सारी फाइल्स ढूंढ के निकालो। ओके। ए, गाड़ी रोक। चल। ओके। 2004। अब सिर्फ 2003 और 9 चाहिए। उस तरफ देखो, 2009 उस तरफ है। ना लायक। ड्यूटी क्या हाउस में सो रहा है? सॉरी सर, अभी अभी यहाँ कोई आया था। कदम जल्दी करो। इन में तुम्हें कैसे पता चलेगा? पुलिस स्टेशन के बाहर जीप खड़ी है, किसकी है पता है? नहीं पता सर। आसपास तलाश कर और जीप स्टार्ट कर। जी सर। अगर उन्हें पुलिस स्टेशन आना था तो ही वो जीप यहाँ पार्क करते हैं। इतनी दूर पार्क करने का मतलब? तुम जल्दी करो नहीं तो पकड़े जाएंगे। जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है। रिकॉर्ड रूम का लाइट ऑन करो। दूर नहीं गए होंगे। ए, जीप स्टार्ट कर। जी सर। कहा था ना मैंने, अगर पुलिस से बचना हो तो पुलिस स्टेशन से बढ़िया जगह कोई नहीं है। तुम्हारी कार यहाँ से 2 किलोमीटर दूर खड़ी है। ओके। इतनी दूर चल पाओगी? तुम कहो तो दौड़ भी सकते हैं। ओह, एक मिनट। ए। फ्रीक। ज्यादा देर तक इस ड्रेस में रहना अब बहुत मुश्किल है। तुम ये छतरी लेने पुलिस स्टेशन गई थी? बारिश आ जाती तो। एक्चुअली ये छतरी मॉम ने पापा को तब दी थी जब वो पहली बार मिले थे, इसीलिए ये मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। ये उन दोनों की निशानी है। आई एम सॉरी।
छी नो, वो दोनों अभी भी जिंदा हैं। काम के चक्कर में घर से दूर रहती हूँ इसलिए। एक बात समझ में नहीं आई, उस दिन तो वह नानू के घर क्या करने गई थी? सच बताऊं या कहानी? तुम्हारी कहानी भी सच मान लूंगा। मैं तुम्हें ढूंढने आई थी। वो क्यों? मैं तुम्हारी असली पहचान जानती हूँ। फेमस नॉवलिस्ट अनुष को तुम ही हो ना? तो अब चले? मैं यहीं बैठूंगी तो चलेगा? वो किस लिए? ताकि सो सकूं। अभी घर जाएंगे ना तो वहाँ वो खड़ूस इंस्पेक्टर हमारा वेलकम करेगा। अभी कार से ज्यादा सेफ जगह और कोई नहीं है, और देखा जाए तो काफी कंफर्टेबल भी है। बारह साल, 12 मिसिंग केसेस, सबके सब 7 जुलाई को। खाने का ऑर्डर देंगे प्लीज? अरे भूल गई, सॉरी। खाना नहीं, सिर्फ एक चाय ले आइए। आई नीड टू मेक अ कॉल। पांडू, जो पता किया सब बताओ। संध्या, इस वक्त ना मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। जो भी कर रहे हो उसे छोड़ो, जो पता चला जल्दी बताओ। रोकना तो मुश्किल है, फिर भी बात तो हो सकती है। इंदु सुवर्णा की एक्सीडेंट में डेथ तो हुई है। उतना ही नहीं, उसका पति गौतम सुवर्णा वो भी मरा था। What? Yes, एक्सीडेंट में कार ने आग पकड़ ली और दोनों पूरी तरह जल गए। कार में एक और लड़की भी थी उनके साथ, उसका नाम हाँ हरिणी रंगनाथ। इस हरिणी के बारे में कुछ और पता चला? बचपन से वो अनाथ है, बैंगलोर के वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहती थी और योगा इंस्ट्रक्टर थी और खूब नोट छापती थी। ठीक है, अपना काम चालू रखना। और हाँ, एक्सीडेंट में एक सिद्धार्थ भी था,